द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रेस है बेसिकली स्ट्रेस क्लेम्स आर मोर बर्डन समिजिकल क्लेम्स बिकॉज दे आर्टिपिकली रेव्यूड इन एडवर्सल एनवामेंट जो स्ट्रेस का क्लेम है डीयर स्टूडेंट्स उसकी कोई लिमिट नहीं है अगर एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट को स्ट्रेस दे रहा है उसके हर काम के अंदर रुकावट क्रिएट कर रहा है प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्गेनाइजेशनल इन्वामेंट अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी एम्प्लॉज कंपनसेशन दिस लीड्स टू द इन्वॉलमेंट ऑफ एक्सपर्ट मेडिकल विटनेस एंड अट्रीज अगर वाकई एक इम्प्लाई अंडर स्ट्रेस रहता है तो इसकी विटनेस रिक्वायर्ड है किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर से जो बंदे अपने फील्ड में स्पेशलाइज हैं जो एफ सी पी एस हैं एफ एस सी एस हैं उन लोगों से एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद एम्प्लाय से बात की जा सकती है कि आपके एटीट्यूड बिहेवियर की वजह से आपका सबॉर्डिनेट सही तरह से काम नहीं कर रहा प्रॉब्लम विद वर्कर्स कंपनसेशन को अगर स्पेसिफिकली फोकस करके डी स्टूडेंट्स देखा जाए तो इसमें यह भी कहा गया है कि समटाइम इन एडिशन टू अब्यूज इन एडिशन टू अब्यूज का मतलब है कि समाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब्यूज लैंग्वेज यूज की जाती है बाई द एम्प्लायर टू द एम्प्लाई अस्टिडली इनक्रीजिंग केस लोड इज आल्सो अ प्रॉब्लम बाद ओ बा एम्प्लाई के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन दे देना एक डेडलाइन है आखिरी डेट है उससे पहले काम ज़्यादा दे देना इन सब चीज़ों को बहुत मैन्यूटली देखा गया है फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया साइ केस लोड इंक्रीज बाई 40,000 थाउजेंड इन वन ईयर के केसेज कैलिफोर्निया में 40,000 थाउजेंड इंक्रीज हो गए किस किस्म के स्ट्रेस के अब यहाँ पे ये यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंप्लाई को स्ट्रेस देंगे हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो इंटेंशन टू लीव के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे आपका एम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के लिए वो प्लान शुरू कर देगा

विच इज टिपिकल सेवनटीन बिलियन ऑफ दिस गोज बेनिफिट्स। एक तरफ आप कास्ट पे कर रहे हैं एम्प्लॉय की कम्पनसेशन का लेकिन डी ए स्टूडेंट वो दूसरी तरफ एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट भी है एम्प्लॉय को वो कास्ट मिल रही है और एम्प्लॉय को जब उसका बेनिफिट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो इम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए काम करेगा ऑलमोस्ट टेन बिलियन इज टेकन अप मेडिकल कास्ट अब ये जो 21 बिलियन है इसमें से 10 बिलियन मेडिकल कास्ट पे पे हो गया बाकी 11 बिलियन इम्प्लाई को पे किया रिहेबिलिटेशन के लिए ताकि वो इम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोबारा से ह्यूमन रिसोर्स के लिए के तौर पे काम कर सके द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू इंजर्ड वर्कर इन मोस्ट स्टेट इज सिक्सटी अगर इम्प्लाई इंजर्ड हो जाता है जब तक उसकी मुकम्मल रिकवरी नहीं होती अगर उसकी सैलरी वन लाख रुपीस है तो आप उसको सिक्सटी सिक्स थाउजेंड पर मंथ पे करेंगे इस स्टेटमेंट का डियर स्टूडेंट ये मतलब है दिस फिन इज नॉट न्यू ये कोई न्यू फिनन नहीं है कि अभी से ये काम शुरू हुआ है ये दस बीस पचास सौ साल से ये काम चल रहा है स्पॉटिंग वर्कर्स कंपनसेशन फ्रॉड एंड अब्यूज बात बात इसमें भी फ्रॉड और अब्यूज हो जाता है उसको हमने कैसे स्पॉट करना है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशउ टू स्पॉट इम्प्लाइज हु टू अब्यूज दिस्टम बाई फिलिंग फ्राडुलेंट वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम एम्प्लाई ने क्लेम दिया ही नहीं किसी इम्प्लाई ने क्लेम दे के उसकी रिकवरी अपने नाम से ले ली या एम्प्लाई के नाम पर ले लिया या क्लास चेक नहीं है ओपन चेक बनवा लिया अब ऑर्गेनाइजेशन में इन सब चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस किस्म का काम दोबारा ना हो बेहतर तो ये है कि सिस्टम इतना बैलेंस होना चाहिए कि एक के काम को दूसरा चेक करे दूसरे काम को तीसरा चेक करे और इस किस्म की एक्टिविटीज वहाँ पैदा ही ना हो हाउएवर जस्ट बिकॉज वन और मोर ऑफ आर फैक्टर्स आर प्रेजेंट डज नॉट मीन दैट एन अनएम्प्लाई इज अटेम्प्टिंग टू अब्यूज द सिस्टम यहाँ यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डी स्टूडेंट्स मैं दोबारा बताना चाहता हूँ हाउ एवर जस्ट बिकॉज वन और मोर ऑफ फैक्टर्स आर प्रेजेंट डज नॉट मीन दैट एन एम्प्लॉज इज़ अटैम्प्टिंग टू अब्यूज़ दिस्टम अगर एक फैक्ट्री मौजूद है आर्गेनाइजेशन में लाख इम्प्लाई काम कर का रहे हैं पचास हज़ार इम्प्लाई काम कर का रहे हैं अब एक फैक्ट्री की वजह से आप पूरे सिस्टम को अब्यूज़ नहीं कह सकते इट इज़ ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस और ये चीज़ें केस टू केस डिफर भी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को इंशोर किया जाना चाहिए कि जो एस ओ पीज़ बने हुए हैं तमाम इम्प्लॉज़ उन एस ओ पी को फॉलो कर दें जब तमाम इम्प्लॉज़ उन एस ओ पी को फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के काम बेहतर होना शुरू हो जाएंगे स्पॉटिंग वर्कर्स कंपनसेशन फ्रॉड एंड अब्यूज में इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने बुलेट्स फॉर्म में लिखे हुए हैं द पर्सन फाइलिंग द क्लेम इज नेवर होम आर अवेलेबल बाई टेलीफोन और हैज एन अनलिस्टेड टेलीफोन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द पर्सन फाइलिंग द क्लेम इज नेवर होम आर अवेलेबल बाई टेलीफोन

इम्प्रूविंग मेडिकल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट स्ट्रीम लाइन द क्लेम नोटिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम ये जो चार पॉइंट्स डी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपके लिए लिखते हुए हैं ये बेसिकली की एलिमेंट्स हैं इन एनी रिफॉर्म एफर्ट्स आर एज फॉलो अगर आप ऑर्गेनाइजेश में रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो अगर आप इन चार चीज़ों को फॉलो कर लें आटोमेटिकली कंपनसेशन प्लान फ्यूचर के हवाले से आप मैनेज कर लेंगे